हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे ब्लॉग वीडियो में आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, जो कि उनका दाह संस्कार आज बिढ़हर घाट पे किया जा रहा है। तो जितने भी यूट्यूबर भाई बहन हैं, सब ने मदद करी है, तो आप लोग भी कीजिए और आइए उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होइए। देखिए मुखाग्नि कौन देता है मालती चौहान को। और लोग कोशिश कर रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी और राधा दीदी कोशिश कर रही हैं कि युवराज से दिलाया जाए, जो कि युवराज उनका बेटा है। तो अगर एक बेटे के लिए सब लोग बहुत ही तपस्या करते हैं, तो अगर बेटा मुखाग्नि देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं कौन देता है मुखाग्नि। और बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, सुहागिन होते हुए भी वो इस तरह से जाएंगी। कोई सिंघोरा लाने वाला नहीं है, कोई नहीं ला रहा सिंघोरा। सुहागिन होते हुए मांग सुना जाएगा उनका। कोशिश कर रही हैं गोरखपुरिया भौजी और राधा दीदी, देखिए देते हैं बेटे को और सिंघोरा को कि नहीं। अब देखिए कोशिश जारी है उन लोगों का। और मदद के लिए खाता संख्या भी लगाया गया है नीरव भैया का, तो जिन लोगों से जितना बन पड़ता है बन रहा है वो लोग दे रहे हैं। तो आप लोग भी मदद करिए, हमारी यही विनती आप लोगों से। और अब जो होना था वो तो हो ही गया है दोस्तों, लौट के तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो इसके कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। क्योंकि वो बोल रही थी कि हम अपने पति के पास जाएंगे, आने से पहले ससुराल में बोली थी कि हम अपने पति के पास जाएंगे, चाहे वो मुझे मारेंगे, चाहे काटेंगे, चाहे जो कुछ करेंगे, हम खुद कमाते हैं, बच्चे का अपना पालन कर लेंगे अलग रहकर। तो ऐसा उनको रहने नहीं दिया गया दोस्तों। लगता है कोई अपना ही है जो उनको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया, या तो कोई कर दिया है। अब पोस्टमार्टम में क्या निकला अभी कुछ पता नहीं चला है दोस्तों, अभी देखते हैं क्या पता चलता है। अगर झोल झाल कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यही आग्रह है पुलिस वालों से और जो है मीडिया वालों से भी कि आप लोग उनकी जो है अच्छी तरह से सुनवाई कीजिए आप लोग, और उनको इंसाफ उन्हें दिलाइए आप लोग दोस्तों। और जो भी उसके कातिल है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और देखिए क्या होता है आगे। तबीयत मेरा भी ठीक नहीं है दोस्तों। अभी भैया आपके फ़ोन किए हैं, वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो बोल रहे हैं किस तरह से चेहरा बनाई है। कितना भी नहीं दोस्तों, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझती है, ये बात हमेशा मालती कहती रही, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। कमेंट में भर भर के गाली सब लोग दे रहे थे, नाटक कर रही, ऐसा कर दिया तूने, वैसा कर दिया, लेकिन जिस पे जो बीतता है वही समझता है दोस्तों, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो वही हाल उसके साथ भी हुआ है। जितना बना उसे सहने पर उतना वो सही, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया दोस्तों। जब तक उसके जान में जान थी वो लड़ी दोस्तों, सभी का गाली। और जितना भी लोग वीडियो बना रहे थे, बहुत सारे निगेटिव बना रहे थे, बहुत सारे अच्छे बना रहे थे, तो सबका सामना उन्होंने कर लिया। लेकिन आखिर तक जब वो ससुराल में आई तो ऐसा क्या हुआ कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा? तो इसकी जाँच होनी चाहिए दोस्तों अच्छी तरह से। हाँ बेटा, मेरा बेटा है, परेशान कर रहा है। तो मेरे बेटे जितना ही बड़ा है उनका बेटा, बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि बिना माँ का रहेगा युवराज। बहुत दया आ रही उस बच्चे पर। तबीयत मेरा भी ठीक नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जुकाम बुखार हो गया है। तो दवा लेकर दो दिन पहले आई थी, अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ। दुख भी है, अंदर से दर्द भी हो रहा है बहुत सालम काला वाला में। तो आप लोगों से और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखते हैं क्या अपडेट मिलता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।